हमारे साथ है भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी। हाँ दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कि सर पीसीसी चीफ कांग्रेस के डोटा सरा ने साफ शब्दों में कहा है कि बीजेपी जो आरएसएस है, आरएसएस को हम बिल में घुसेड़ देंगे अगर हमारी सत्ता वापिस आती है। क्या कहेंगे? उन्हीं की माने दूध पिलाए क्या जो आरएसएस को बिल में घुसेड़ने का काम करेंगे? राजनीति के अंदर विचारधारा की लड़ाई होती है, इस तरीके शब्दों का काम में लेना उचित नहीं है। और डोटासरा जी जिस अहंकार के अंदर बोल रहे हैं, 2023 के चुनाव में जनता आपका अहंकार सारा निकाल देगी। राजस्थान के 26 लाख परिवार भूले नहीं है आपने जिस तरीके का कृत्य किया है पेपर लीक मामले के अंदर। और आज समय आपका है, कल समय बदलेगा, सारी जांचें भी होगी और जांचें होगी तो सारी पड़ते भी खुलेगी, किस किस के किस क्या क्या रिलेशन है। जिस तरीके की राजस्थान के तमाम युवा जानते हैं कि आप हमेशा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, संसदीय भाषा का कभी प्रयोग नहीं करते, जिस अहंकार के अंदर आप बोल रहे हो ये अहंकार ठीक नहीं है, शोभा नहीं देता। भाजपा लगातार प्रयास कर रही है दुष्कर्म मामलों को लेकर, काफी प्रदर्शन कर चुकी है मगर उसका असर अभी तक देखने को नहीं मिला है। फिलहाल फिर से लगातार दुष्कर्म के मामले सामने आते जा रहे हैं, इस चीज को लेकर आप क्या? देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर एक नीरसता का वातावरण है, जनता इस नीरसता के वातावरण के अंदर ये समझ चुकी है कि सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, पेपर लीक का मामला, कर्ज माफी का मामला, संविदा कर्मियों का मामला, ये तमाम मामले ऐसे हैं जिनके ऊपर आने वाले समय में कांग्रेस को इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज जनता भी ये समझती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर 5 साल तक सरकारें बनती है, चंद दिन बचे हैं, अब वर्ष नहीं बचे, चंद दिनों के अंदर जनता आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर ये ताबूत की आखिरी कील ठोकने के लिए सरकार तैयार, जनता तैयार बैठी है। 2023 में भाजपा की सरकार आने के बाद क्या दुष्कर्म जैसे मामले, भ्रष्टाचार जैसे मामले, पेपर लीक जैसे मामलों पर? देखिए, अभी मैंने कल एक स्टेटमेंट कांग्रेस सरकार के एक मंत्री का सुना और स्टेटमेंट ये था कि आबादी बढ़ रही है इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आबादी बढ़ने से अपराध नहीं बढ़ रहे, आपकी सोच का बदलाव लाने की आवश्यकता है, कठोरता के साथ भय पैदा करना पड़ेगा। और भय पैदा करोगे, डर पैदा करोगे अपराधियों के मन मस्तिष्क के अंदर तो अपराधियों के ऊपर अंकुश भी लगेगा। लेकिन सरकार की मंशा अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाने की नहीं है, सरकार की मंशा अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए। और जिस तरीके से एमएलए ने कांग्रेस के उनको समर्थन देने वालों ने प्रदेश के अंदर जिस तरीके का कोहरा मचाने का काम किया है, लूट मचाने का काम किया, वो प्रदेश की जनता जानती है। ये थे हमारे साथ रामलाल शर्मा जो कि चोमू विधायक हैं भाजपा के और मुख्य प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा से। तो लगातार देखते रहें जयपुर महानगर टाइम्स, सुभाष बैरवा के साथ।